प्रश्न संख्या चार को करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 10 संख्याएं दी हुई हैं, हमें उनका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? वे गुणनखंड जो अभाज्य हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह की संख्याएं, वे कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले मैं दे रखा है 729, इसको करते हैं, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद जाएंगे अगली अभाज्य संख्या पर जो है 3। 3 से भाग देंगे, ये हमारे पास आएगा 243। 243 को फिर भाग देंगे अभाज्य संख्या से, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 से जाएगा। फिर 81 को अभाज्य संख्या 3 से ही भाग देंगे, ये हमारे पास आएगा 27। फिर इसको 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3, और फिर 3 से 1। हमने भाग किया सिर्फ अभाज्य संख्या से, 3 से। जिस भी संख्या से भाग जाएगी हम भाग कर सकते हैं, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमारे पास 729 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे? 729 को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 3 आया है। इस तरह से हमें निकालना है 729 का वर्गमूल। जोड़े बनाएंगे हम, वर्गमूल में जोड़े बनेंगे दो दो के, घनमूल में जोड़े बनते हैं तीन तीन के, वर्गमूल में बनते हैं दो दो के। तो यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाएंगे हम इस तरह से। अब इसमें से एक को लिख लेंगे, इस जोड़े में से एक को ले लेंगे 3, इस जोड़े में से एक को ले लेंगे, और इसमें से भी एक को ले लेंगे। ये हमारे पास आएगा 3 × 3, 9, 9 * 27। तो ये हो जाएगा 729 का वर्गमूल, 27। दूसरा पार्ट है 400। 400 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा 200, फिर 2 से करेंगे 100 आएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा। या 25 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3, 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद अभाज्य होती 5, 5 से जाएगा। इस तरह से तो हम 400 को क्या लिख सकते हैं? 400 को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 बार तो है 2, और 2 बार है 5। जोड़े बनाएंगे दो दो के, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें से एक को लेंगे, इसमें से एक को लेंगे, इसमें से भी एक को। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 20। सत्रह सौ चौसठ, 2 से भाग करेंगे 882 आएगा, फिर 2 से करेंगे 441 आएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, फिर 3 से जाएगा 49। अब 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद 5, 5 से नहीं जाएगा, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7, 7 से जाएगा। इस तरह से तो 1764 को हम लिख सकते हैं 1, 2, 2 बार है 2, 2 बार है 3, और 2 बार है 7। जोड़े बनाएंगे, एक ये 3 जोड़े बनेंगे, प्रत्येक केंद्र से एक एक को ले लेंगे 2, इसमें से लेंगे 3 को, इसमें से लेंगे 7 को। ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। तो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42।
अगली संख्या लेते हैं 4096। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये हमारे पास आ जाएगा 2048। फिर 2 से करेंगे 1024। फिर 2 से 512। फिर 2 से करेंगे 256। फिर 2 से 128। फिर 2 से करेंगे 64। फिर 2 से जाएगा 32। फिर 2 से 16। फिर 2 से करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 8। फिर 2 से करेंगे ये आएगा 4। फिर 2 से 2 और अंत में फिर 2 से 1। इन हर बार 2 से ही भाग गया ये। तो हम 4096 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, 12 बार लिखेंगे। जोड़े हमारे पास पड़ेंगे 6। प्रत्येक में से एक को ले लेंगे तो 6 बार नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 32 = 64। तो बच्चों 4096 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 64। अगली संख्या है 7744। सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, ये आ जाएगा 3872। फिर 2 से करेंगे ये आ जाएगा, फिर 2 से 968। फिर 2 से भाग जाएगा 484। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से करेंगे 121। अब 121 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद आता है फिर 11, 11 से जाएगा 11 पे, और फिर 11, 11 से 1 पे जाएगा। तो हम यहाँ पर 7744 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2 और 2 बार है 11। जोड़े बनाएंगे, एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इस जोड़े में से। तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 11 88। तो 7744 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 88। छठा भाग है 9604। पहले 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4802। फिर 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 2401। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, न 3 से जाएगा। अब इसको भाग करेंगे, अब भाग जाएगा ये 7 से, 7 * 21 3, 7 * 4 = 28, 2 * 7 = 21 343। फिर 7 से जाएगा, 49। फिर 7 से 7 और फिर 7 से भाग जाएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास 9604 को हम लिख सकते हैं 2 × इस जोड़े में से एक बार ले लेंगे, एक इस जोड़े में से और एक इस जोड़े में से, ये हमारे पास आ जाएगा 98।
ये इसका वर्गमूल होगा। अगला पार्ट है 5,929, दो से भाग नहीं जाएगा, तीन से भी नहीं जाएगा, ना पांच से जाएगा, पांच के बाद सात, सात से देखते हैं, 7 8 56, 3 32, 7 5 28, 4 7 7 49, ये आएगा हमारे पास 847। फिर सात से भाग देंगे, 7 1 7, 121, 7 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 गुणा 11 121, 5,929 बराबर होगा 7 गुणा 7, 11 गुणा 11, 5,929 का वर्गमूल हो जाएगा, एक इस जोड़े में से आएगा 7, एक इसमें से 11, 11 गुणा 7 77, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 9,216, दो से भाग देंगे, छियालीस सौ आठ, फिर दो से भाग, 2304, फिर दो से भाग करेंगे, 1152, फिर दो से भाग, 576, फिर दो से भाग करेंगे, 288, फिर दो से भाग देंगे, 144, फिर दो से भाग, 72, 72 को फिर भाग देंगे दो से, 36, फिर दो से भाग देंगे 18, दो से भाग देंगे 9, फिर 3 पे जाएगा, ये आ जाएगा 9,216 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर दो है वो 10 बार है, पांच जोड़े बनेंगे, पांच बार हम दो को बाहर निकाल लेंगे, एक जोड़ा तीन का है तो एक बार 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 और 32 दिया 96, ये इसका वर्गमूल होगा। अगला पार्ट है 529, अब बच्चों 529 यहाँ किसी से भाग नहीं जाता, न दो से, न तीन से, न पाँच से, न सात से, न 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ये जाएगा 23 से भाग, और नीचे आ जाएगा 23, तो यहाँ से हमारे पास 529 को हम लिख लेंगे 23 गुणा 23, एक जोड़ा बनेगा तो 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23। इसका लास्ट पार्ट है 8100, दो से भाग देंगे, 4050, फिर दो से भाग देंगे, 2025, फिर तीन से, 3 6 18, 2 3 7 21, 3 5 15, रुपया भाई इसको तीन से भाग देंगे, हमारे पास आएगा 225, फिर ये तीन से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर तीन से भाग देंगे 25, फिर पाँच से 5, चार जोड़े बनेंगे, दो को ले लेंगे, तीन को 2 बार और एक बार 5 को, यह आ जाएगा हमारे पास 90, यह आ जाएगा हमारे पास 90, तो 8100 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 90।